हेलो एवरीवन आज का हमारा सवाल है द मिक्सर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल लॉ तो यहाँ पे आपको बताना है लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो कर रहा है ठीक है तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन किस बात पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे मॉलिकुलर इंट्रैक्शन पे तो पहले हम यदि पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो जब इंट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो तीन तरह के इंट्रेक्शन होते हैं एक आपके सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रेक्शन जिसको हम ए एंट्रेक्शन कह देते हैं एक होता है आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रेक्शन मतलब केवल सॉल्वेंट यदि यहाँ पे पड़े हैं तो उनमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे यदि केवल सॉल्यूट है तो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन होगा और जब ये एक साथ आ जाएंगे तो इनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है ए बी इंटरेक्शन तो यदि आपका ए बी में जो इंट्रेक्शन है ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रेक्शन यदि ए ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन के इक्वल है तो ऐसे में हम कह देते हैं इसे आइडियल सोल्यूशन इस केस में ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा लेकिन यदि मान लीजिए एफ ए बी का इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया देन एफ ए ए और एफ बी बी यानी यहाँ पे इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो जब इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा ए बी के बीच तो ऐसे में यहाँ पे वेपर बनना कम हो जाएगा और ऐसे केस में ये नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है और वही यदि ए बी का इंट्रैक्शन कम हो जाए एफ ए ए और एफ बी बी के इंट्रैक्शन से तो ऐसे में क्या हो जाएगा आप ही सोचो ए और बी के बीच जब ए और बी पास पास आया साथ साथ आया तो ऐसे में इंट्रैक्शन कम हो गया ए और बी के बीच इंट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वेपर और ज्यादा बनेगा इसलिए ऐसे केस में ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है तो यहाँ पे आपको चार क्वेश्चंस चार ऑप्शंस दिए आपको बताना है पॉजिटिव डेविएशन कहाँ शो होता है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉम की हम बात करें तो होता है यहाँ पे एग्जैक्टली में सी एच सी एल थ्री ये सी एल सी एल सी एल है तो जब यहां पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म साथ साथ आते हैं तो ऐसे में क्या होता है ना यहां पे कोई एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा होता है लेकिन ये क्लोरोफॉम और एसीटोन आने की वजह से इनके बीच में इंट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है ये इंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है ये जो डेविएशन होता है ये पॉजिटिव ना नाश करके ये निगेटिव डेविएशन शो करने लगता है क्यों पहले एसिडोन और क्लोरोफॉर्म में कोई एजबॉन्डिंग नहीं हो रहा था है लेकिन क्लोरोफॉर्म में सीएल पे माइनस और कार्बन पे प्लस चार्ज आने लगता है जिसके वजह से क्या होता है ये प्लेरिटी इसके अंदर कुछ ज्यादा डेवलप हो जाता है और इसी पोलैरिटी के वजह से इंट्रैक्शन बढ़ जाता है और ऐसे में यह निगेटिव डेविएशन शो करने लगता है क्लोरो इथेन ब्रोमोइथेन तो क्लोरो और ब्रोमो में ऐसा कोई इंट्रैक्शन में डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता इसलिए ऑलमोस्ट आपका आइडियल सोल्यूशन ही रहता है इथेनॉल एसिटोन ये आपका पॉजिटिव डाइवेशन शो करता है क्यों शो करता है क्योंकि जब इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं तो इथेनॉल को मॉलिक्यूल में देखिए एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा लेकिन जब साथ में हम एसिटोन ले आते हैं तो एसिटोन क्या करता है कि जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में जो एच बॉन्डिंग पहले से प्रेजेंट होगा देखो किस तरह से पहले से प्रेजेंट होगा इसको भी मैं दिखला दे रहा हूँ ओ एच यहाँ इथेनॉल का यह एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैं यहाँ पे देखो एच बॉन्डिंग ऑक्सीजन से लगा इधर भी हम हाइड्रोजन बॉन्डेड दिखा दिए ऑक्सीजन के साथ तो इस तरह से एच जो यहाँ पे दो इथेनॉल के बीच में पहले एच बॉन्डिंग अच्छे से हो रहा था लेकिन जैसे ही एसीटोन आएगा तो ये एसीटोन बीच में आ गया तो इससे होगा क्या कि एच बॉन्डिंग जो इथेनॉल में हो रहा था उसको भी और वीक कर दिया तो इस तरह से यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक किया जा रहा है और जहां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए और बी के बीच का कम हो जाता है वह आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आपका थर्ड में हो जाएगा बेंजीन और टॉलिन की बात की जाए तो बेंजीन और टॉलिन यहाँ पे केवल एक सी एस टू का डिफरेंस है तो केवल हाइड्रोकार्बन में चेंज जा रहा है हाइड्रोकार्बन पार्ट यदि चेंज हो रहा है तो ऐसे में आपका जो डेविएशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता वो आइडियल बिहेवियर ही शो करता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे जो बेंजीन और टॉलिन है ये आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा एसिटोन वाला आपका पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है क्लोरोएथेन क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन भी ऑलमोस्ट आपका आइडियल बिहेवियर बिहेवियर शो करेगा तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहा है वो इथेनॉल और एसिटोन का मिक्सर इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो